महान कार्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जो भी करो उसे दिल से करो दोस्तों। The only way to do great work is to love what you do। नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्पोकन में आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखने वाला है मोटिवेशन कोटेशन के बारे में, जो कि एक नहीं दो नहीं पूरे हम 9+ मोटिवेशन कोटेशन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महान कार्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जो भी करो उसे दिल से करो। तो इंग्लिश में बोलेंगे, The only way to do great work is to do love what you do। अपने के डर जितने की खुशी से ज्यादा मत बढ़ने दो। तो इंग्लिश में बोलेंगे, Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning। अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपने उसे सही ढंग से समझा नहीं, उसको बार बार समझने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। दो तरह के लोग आपको ये कहेंगे कि आप इस दुनिया में कुछ अलग कर नहीं सकते, एक वे जो खुद को प्रयास करने से डरते हैं दोस्तों, और दूसरे वे जिन्हें आपको सफल होने का डर है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों। There are two type of people who will tell you that you can't make a difference in this world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. Next देखते हैं दोस्तों, ये मत चाहो कि काम आसान हो, बल्कि ये चाहो कि क्या बेहतर हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, Don't wish it were easier, wish you were better. Don't wish it were easier, wish you were better. नेक्स्ट, सपना बड़ा देखो लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए हार भी मिलेगा, तो हार से घबराना नहीं दोस्तों। तो इंग्लिश में बोलेंगे, ड्रीम बिग एंड टू डेयर टू फेल, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महान कार्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जो भी करो उसे दिल से करो दोस्तों। तो इंग्लिश में बोलेंगे, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा दोस्तों, लोग भूल जाएंगे आपने क्या किया, पर लोग कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, बहुत ही कोटेशन लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इंग्लिश में बोलेंगे, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। जिसके पास धैर्य है दोस्तों, वे जो चाहे पा सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, ही दैट हैज पेशेंस can achieve anything that he wants. Next देखते हैं दोस्तों, या तो कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो दोस्तों। तो इंग्लिश बोलेंगे, either write something worth reading to something worth writing. Next देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए जिसमें हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव इंग्लिश। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।